हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली काफ़ी सारे स्कैम्स होते रहते जो आपके साथ भी हो सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी चीज़ों से अवेयर रहे, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आज मैंने एक वीडियो देखा, सेम तरह का स्कैम किसी के साथ हुआ था, उसने वो वीडियो अपलोड किया था और फिर मुझे याद आया कि ये एक्चुअली मुझे डाउट था बट मैं कंफर्म नहीं था, बट आज जब वो वीडियो देखा मैंने तब जाके मुझे कंफर्म हुआ कि इस तरह से भी स्कैम्स होते हैं। मैं आपको मेरा व्हाट्सअप ओपन करके दिखाता हूँ। मेरे अभी लैपटॉप पे भी व्हाट्सअप का ऐप ओपन है। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये नंबर है, इससे मुझे 28 जून को मैसेज आया था, एक हाई आया था। अभी उस टाइम पे डीपी अलग था, इस फोटो के रिलेटेड डीपी था। अभी ये एक महीने बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये डीपी भी चेंज हो चुका है उस नंबर का। आपको मैं चैट बताता हूँ पहले और उसके बाद किस तरह से ये आगे स्कैम करते हैं वो भी बताता हूँ। इस नंबर से मुझे हाई आया, मैंने अभी कोई भी नंबर अननोन नंबर से अगर हाई आता है तो आप जनरली रिप्लाई तो करते हो, तो उसी तरह से मैंने रिप्लाई किया। तो आगे आप देख सकते चैट। तो एक्चुअली फर्स्ट डे तो मैंने पहले तो सिर्फ हाई किया था, ये 2 घंटे के बाद मैंने हाई किया क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफिस में बिजी था। तो फिर उसके बाद चैट चालू हुआ तो उसने पूछा कहाँ से हो। मैंने पहले पूछा कि आप हो कौन पहले वो बताइए, फिर मैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप कभी भी अननोन पर्सन के साथ कभी भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, पहले कंफर्म कीजिए आप उस पर्सन को जानते हो नहीं जानते हो, तो पहले वो बात आप कभी भी कंफर्म कर लेना। तो इसलिए मैंने पहले पूछा कि आप कौन हो। तो उसने फिर से मैसेज किया कि बोलो ना, मैंने फिर से वही पूछा कि आप कौन है। तो उसने नाम बताया, पूनम चौधरी। अभी ये भी फेक नेम है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि ये भी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ चीज़ें। तो मैंने वो पूछा कि ठीक है भाई, कभी कभी गलती से नंबर कुछ गलत हो जाता है तो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब बाय मिस्टेकली हम किसी गलत नंबर पे चैट करते या कॉल कर देते, इसलिए मैंने वो कंफर्म करने के लिए पूछा कि कहाँ से, क्योंकि अभी हम लोग कंफर्म कर सकते कि या आपके होम टाउन से है या आप जहाँ पे जॉब करते हो आपके लोकेशन से कोई हो सकता है। तो एक बार वो कंफर्म किया कि मैंने कि कोई पहचान में तो नहीं है, इसलिए कहाँ से पूछा। फिर उधर से रिप्लाई आया कि अहमदाबाद से हूँ। उसने पूछा कहाँ से हो, बट मैंने इसका रिप्लाई दिया नहीं क्योंकि ये अहमदाबाद में ना कभी गया हूँ ना मेरे पहचान में कोई वहाँ से है, तो इसलिए मैंने रिप्लाई दिया नहीं। फिर उसका इमीडिएटली मैसेज, मतलब इसके बाद सेम टाइमिंग देख रहे हो आप कहाँ से हो क्या करते हो, मैंने कुछ रिप्लाई दिया नहीं। फिर से उसके मैसेज आया कि बोलो ना, आप मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे क्या। तो मैंने उसको पूछा कि आपका नंबर कहाँ से मिला, तो उसका रिप्लाई है कि ऐसे ही मिल गया, आपको एतराज़ है क्या। फिर मैं कुछ बात नहीं कर रहा था तो बोलो ना, नहीं बेबी। तो यहाँ पे मुझे तो कंफर्म हुआ कि ये कोई स्कैम है, क्योंकि इस तरह से डायरेक्टली कोई बात नहीं करता जिसे आप ना पहचानते हो ना कोई रेफरेंस है। तो फिर मैंने डायरेक्टली नहीं बोल दिया। तो उसने आगे मैसेज किया कि प्यार भरी बातें करो। उसने एक फ़ोटो भेजा और मुझे कहा कि आप भी आपकी एक फ़ोटो सेंड करो। आपको इस कंडीशन में कभी कोई इन्फॉर्मेशन आपका शेयर नहीं करना है, कोई फ़ोटो शेयर नहीं करना है कभी भी, याद रखिए, क्योंकि इनको पता रहता है कि आप लड़कियों का फ़ोटो देखते हो। अगर आप लड़के हो, बैचलर हो, या जनरली लोग शेयर कर देते फ़ोटोज़ या वो, तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया, तो मैंने कोई बात ही नहीं किया। तो उसने फिर से मैसेज किया कि आप बात नहीं कर रहे हो वगैरह, तो सिर्फ मैंने मैसेज डाल दिया कि मैं बिज़ी हूँ। फिर से वही बात करो, ये करो, मुझसे प्यार नहीं किया। तो मुझे कन्फर्म हुआ कि 100% कुछ स्कैम है। तो फिर मैं
और जानना चाहता था कि ये आगे क्या करते हैं ये लोग, कि किस तरह से इनका प्लान है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि किस तरह से ये लोग फंसाते हैं। तो फिर से सेकंड डे पे हाय आया मुझे, तो फिर से मैंने रिप्लाई किया, तो फिर बोलो, उसने कुछ मैसेज किया था पता नहीं, डिलीट कर दिया क्योंकि वो मैंने देखा नहीं। और डायरेक्टली आप देख सकते हो, मतलब ये भी मैं हाइड कर रहा हूँ, बट या ये कुछ फिजिकल होने की बात चल रही थी। तो वीडियो कॉल करते, सेक्स करते इस तरह से, और कुछ ये नीचे कुछ है वो मैं ये वीडियो में दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि या ये वीडियो बच्चे भी देख सकते हैं, या मतलब इसीलिए आप समझ सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें। उसके बाद मुझे वहाँ से उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल करते हैं, तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं, बोलो जल्दी बताओ आप रेडी हो क्या वीडियो कॉल के लिए, ऐसा वैसा मैंने कुछ भी रिप्लाई दिया नहीं। उसके बाद तो मुझे दो बार वीडियो कॉल आया, दो बार मैंने उठाया नहीं, फिर से थर्ड टाइम वीडियो कॉल आया, तो मैंने उठाया सही, बट उठाने से पहले मैंने ये चेक किया, मतलब चेक नहीं, आप बोल सकते हो कि मैंने वीडियो कैमरा जो है, तो वो कैमरा पे पहले मेरी उंगली रख दिया था मैंने, ताकि सामने वाले को कुछ दिखे ना कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे कैमरा बंद कर दिया और फिर बात किया कि आप कौन हो, क्यों मतलब इस तरह से आप डायरेक्टली, ना अपना जान पहचान कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली वीडियो कॉल कर रहे हो और कुछ भी बात कर रहे हो चैट पे, तो जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही नंबर मिल गया था मेरे एक फ्रेंड से, ऐसा वैसा, तो आप आपका वीडियो दिखाओ, आप आपके कपड़े उतारो, ऐसा वैसा, फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ आप मेरा वीडियो ये वो। तो मुझे डाउट हुआ कि इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, तो मैंने इमिजिएटली वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ, उससे पहले एक स्टेटमेंट मैंने कहा था कि काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, तो आप अगर स्कैम कर रहे हो तो आप किसी दूसरे के साथ ट्राई करना, मेरे साथ मत करना कभी। तो फिर उसका बाद में ना कोई मैसेज ना कभी कॉल, उसको भी समझ गया कि यार इसको पता है बंदे को कि ये स्कैम है, तो उसके बाद कोई नहीं। मैंने क्रॉस चेक करने के लिए कुछ चीज़ें चेक किया था फर्स्ट डे पे ही, वो मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि अभी ये फ़ोटो भेजा था, अगर आपको एक सिंगल कोई फ़ोटो या कोई भी फ़ोटो अगर सर्च करना है आपको कि ये एक्चुअली किसका है क्या है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे एक चीज़ सर्च करना है, रिवर्स इमेज सर्च। पहला साइट ये ऑलवेज मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ये डुप्लीकेट चेकर, क्योंकि इसे काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट बताता है। ये ओपन करना है आपको पहला साइट, यहाँ पे नीचे जाके आपको एक अपलोड का बटन मिलेगा, आपको अपलोड पे क्लिक करना है। आपका जो फ़ोटो जहाँ पे भी स्टोर है, आपको ये देखिए अभी मेरे डेस्कटॉप में एक स्कैम फोल्डर है, उसके अंदर मैंने वो फ़ोटो सेव किया है, तो आपको वो सेलेक्ट करना है और जस्ट ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये सर्च सिमिलर इमेज, इस पर क्लिक करना है। तो ये साइट क्या करेगा, डिफरेंट जो सर्च इंजिन्स है, तो वहाँ पे जाके या आपकी जो अपलोड की हुई इमेज है वो सर्च करेगा। तो सिंपली हम लोग ज़्यादातर गूगल चेक करते हैं और गूगल पे रिजल्ट भी काफ़ी सारे आते हैं, तो मैंने शो मैचेस बताया, जैसे ही ये मैंने अपलोड किया तो कुछ सिमिलर इमेजेस आपको नीचे फेसबुक पे देखने को मिलेगी। अब मैं ये फेसबुक का लिंक ओपन करता हूँ, अभी शायद ये रिमूव कर दिया गया है पेज, कोई और दो तीन वेबसाइट ओपन करते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो सर्च सेम मिला है।
अभी ये देखिए, आप ये फेसबुक का है या पे ये किसी अंकिता शर्मा के नाम से है? इनका फोटो उन्होंने चुराया एक्चुअली, या लास्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मे बी ये नेम था कि कोई अलग नेम था, पता नहीं। और उसने मुझे, अगर आप चैट देखोगे तो उसमें मुझे कुछ पूनम चौधरी नाम बताया था। तो आप देख सकते हो कि वो कई फेसबुक से फ़ोटो उठाते हैं, वो आपके डीपी पे लगा देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ़ोटो वो ढूंढ के, जहाँ से लोग मतलब आपसे बात करें फ़ोटो देख के, इस तरह से वो ट्राई करते हैं। अभी आपको बताता हूँ मैं स्कैम क्या है एक्चुअली। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये लोग जैसे ही, अगर आप वीडियो कॉल पे जाते हो, अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे हो लाइक, ताकि मतलब अगर जो बंदा एक्चुअल में ठीक है, वैसे कुछ इंडिकेशंस के साथ वीडियो कॉल पे जा रहा है और वो उस तरह से कुछ कर भी रहा है, तो वो तो फंसेगा ही फंसेगा। बट अगर आपने कुछ किया नहीं, सिंपली आपने नॉर्मल वीडियो कॉल पे भी गए हैं, वो पहले के जितने सेकंड्स आप वीडियो कॉल पे हो वो सारा स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे आपका। उसके बाद उसके साथ कोई एक ऐसा वीडियो अटैच करेंगे जिसमें इस तरह से बताया जाएगा कि यस, आपने कपड़े उतारे, इनके साथ वीडियो कॉल पे कुछ गलत तरह से पेश आए, और फिर वो आपको उसके बाद वो वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे और आपको फिर धमकाएंगे कि ये ले, हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, आपके फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, वो आपका अकाउंट ढूंढ के, अगर आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वो वास्ते भी, अगर वो आपका नंबर ढूंढ सकते हैं तो आप समझ सकते हो आपको फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, जो भी सोशल मीडिया है वो ढूंढना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको उन आपके फ्रेंड्स के कुछ फ़ोटोज़ भेजेंगे, नाम भेजेंगे, और बताएंगे कि यस, हम लोग ये वीडियोज़ इनको भेजेंगे, उनको भेजेंगे, आपके कुछ रिलेटिव्स में भेजेंगे हम लोग, और अगर ये आप नहीं चाहते हो तो आप हमें पैसे दीजिए, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, इस तरह से आपसे डिमांड करेंगे। तो मेरा एक सिंपली सजेशन है सबके लिए कि अननोन नंबर्स के साथ कोई डिटेल्स शेयर ना करें, और इस तरह से मतलब ठीक, कभी कभी कोई इंसान फ्री टाइम में समझता है कि या भाई क्या होगा, थोड़ा सा करते टाइम पास, तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप ध्यान से फिर से देखिए, जिस तरह ट्रिक्स बताया मैंने, आप कुछ वो फ़ोटोज़ गूगल पे सर्च कर सकते हैं, रिवर्स सर्च इंजन, रिवर्स सर्च की तरह से आप सेम, आप जो नंबर है वो भी गूगल पे, अभी ये नंबर आप गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर किसी ने रिव्यू कुछ दिया है या कोई ब्लॉग लिखा है कि किसी के साथ ये स्कैम हुआ है, तो आपको वो आर्टिकल भी मिल सकता है। तो आप वो नंबर गूगल पे सर्च कीजिए कि कुछ आर्टिकल्स है कि इस पे, या कोई ब्लॉग लिखा है किसी ने, या कुछ भी डाला है, तो आपको वो गूगल पे मिल जाएगा। उससे आप पढ़ के वहाँ पे क्या दिया है, क्या बात चल रही है पेज पे, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो कि मतलब किसी के साथ भी और ये फ्रॉड हुआ है क्या। तो आप इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट बन के खुद को बचाइए और इस साइबर क्राइम की दुनिया में सेफ रहिए। ऐसे ही मैं काफ़ी सारे वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि इस तरह से स्कैम्स होते रहते और किस तरह से आपको बचना चाहिए, वो भी मैं थोड़े से ट्रिक्स बताते रहूँगा इसके साथ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे ऐसे नए वीडियो जब आएंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अवेयर हो सके इस इन सारी चीज़ों से, वो भी बच सके स्कैम्स से। थैंक यू गाइस।